हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ FY BCOM सेमेस्टर 2 स्टैटिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 पार्ट 10 CPM। इस चैप्टर का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था टाइम एक्सपेक्टेड, जिसे हम गुजराती में कहते हैं अपेक्षित समय, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपकी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर दिया गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे EST, जिनका फुल फॉर्म होता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। सेकेंड सॉल्व करना है आपको EFT, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। नेक्स्ट सॉल्व करना है आपको LST, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। एंड लास्ट में सॉल्व करना है अपने को LFT, यानी कि लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। अब इस टाइप का सम आए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको बनाना होगा डायग्राम, जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे पर्ट डायग्राम। तो पर्ट डायग्राम कैसे बनता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइम गिवन दिया हुआ है। इनका एक्टिविटीज़ है 1 से लेकर 8 तक, और टाइम दिया है 2 से लेकर 4 तक। तो ये जॉब के द्वारा, इन एक्टिविटीज़ के द्वारा सबसे पहले हमें पर्ट डायग्राम बनाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक्टिविटीज़ आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी, 1 से 2। तो आपको यहाँ पे राइट करना है 1, और 1 को मैनेज कर देना है 2 के साथ में। एग्जाम हॉल में जब आप जाना तो इसका उपयोग पेंसिल के द्वारा बनाना, बिकॉज जब बाई चांस कुछ आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो पहली एक्टिविटी आपने यहाँ पे लिख दी है 1 से लेकर के 2 तक, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था सर, 2 से 3 भी है एंड 2 से 4 भी, दैट मीन्स 2 के 2 डिपार्टमेंट हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बार कर देता हूँ 2 से 3, और ये सभी एरो जो हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने चाहिए। 2 से 3 है एंड 2 से 4 भी है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 2 से 4। आई होप डायग्राम किस तरीके से बन रहा है आपको समझ में आ रहा है। आप अपने तरीके से बना सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। फिर यहाँ पे दिया 3 से 5 भी है और 3 से 6, बिकॉज 3 से 2 रास्ते बन रहे हैं, 3 से 5 भी बन रहा है और 3 से 6 भी बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से सेटअप कर देता हूँ 3 से 5, राइट ना, और 3 से 6 भी बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने मैनेज कर दिया 3 से 6। आई होप आप समझ गए डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, राइट। फिर यहाँ पे दिया 4 to 6 एंड 4 to 7, यानी कि 4 से 2 रास्ते बन रहे हैं, एक 4 to 6 भी है और एक 4 to 7 भी है। तो सबसे पहले मैं जो इजी लगता है उसे बना देता हूँ। ये गया हमारा 4 to 6, और यहाँ पे मैं आगे ले जाता हूँ इस तरीके से, एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने तरीके से, 4 to 7। तो ये हमारे 2 पाथ बन गए 4 के द्वारा, राइट। फिर यहाँ पे दिया 5 to 8, 6 to 8 एंड 7 to 8। अल्टीमेट हमको कहाँ पे रुकना है सर, 8 पे। तो 5 से पहले कहाँ पे जाना है, 8 पे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर राइट डाउन कीजिए 5 to 8, राइट ना। फिर क्या करना है सर, 6 to 8। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 6 to 8, राइट। एंड लास्ट में क्या था सर, 7 to 8। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए 7 to 8। आई होप पर डायग्राम किस तरीके से बना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें क्या करना है, सभी के टाइम को अरेंज करना है। तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ था 1 से 2 का जो टाइम है वो आपकी बुक में गिवन है 2। तो आप यहाँ पे 1 से 2 जहाँ पे भी लिखा है आप वहाँ पे पेंसिल के द्वारा या फिर कोई भी चीज़ हाईलाइट हो सके उस तरीके से राइट कीजिएगा। 1 से 2 का टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, 2 दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 से 2 के सामने 2, राइट। 2 से 3 का टाइम है यहाँ पर 3। 2 से 4, 2 से 4 का टाइम है यहाँ पर 5। 3 से 5, ये रहा 3 से 5 का टाइम दिया है 4। 3 to 6, 3 to 6 का टाइम दिया है 1। 4 to 6, 4 to 6 का टाइम दिया है 6। 4 to 7, ये रहा यहाँ पर 4 to 7 का टाइम दिया है 2। 5 to 8, ये रहा 5 to 8 का टाइम दिया है 8। 6 to 8, 6 to 8 का टाइम दिया गया 7। एंड फाइनली लास्ट में दिया हुआ 7 to 8, 7 to 8 का टाइम दिया गया 4। आई होप मैंने टाइम यहाँ पे किस तरीके से अरेंज किया आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर हमें पाथ डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है पाथ, यानी P1, P2, P3, P4 जितने भी रास्ते बनने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला पाथ कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 एंड 5 से 8, राइट ना। तो आप यहाँ पर सीक्वेंस में राइट कीजिए पाथ 1, 1 से 2, 2 से 3,
थ्री से फाइव एंड फाइव से एट। आई होप यहाँ पे 1 2 3 5 8 कैसे आया आप समझ गए होंगे। अब राइट करते हैं, 1 से 2 का टाइम क्या था, सर 2 था, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2। सेकेंड वन क्या था, सर 2 से 3, तो 2 से 3 का टाइम यहाँ पर कितना गिवन दिया हुआ है, सर 3, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3, राइट ना। नेक्स्ट वन क्या, सर 3 से 4, टाइम कितना हमारे पास 4, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4। एंड लास्ट वन क्या था, सर 5 to 8, कितना टाइम दिया गया 8, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 8, राइट ना। सभी को प्लस कर दीजिए, 2 plus 3 5 5 plus 4 9 एंड 9 plus 8 17, तो यहाँ पे आ चुका है आपका टोटल टाइम यानी कि कुल समय, राइट। तो ये पहला पाथ बना था यानी कि पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कौन सा बनेगा, देखिए 1 से 2 2 से 3 3 से 6 और 6 से 8, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए आराम से 1 से 2, ये था यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 2 से 3 3 से 6 एंड लास्ट 6 to 8, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 6 to 8। अब हमें क्या करना है, सर टाइम को राइट करना है, तो पहला टाइम क्या था, 1 से 2 का टाइम कितना है 2, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2। प्लस नेक्स्ट क्या था, 2 से 3 टाइम कितना था, सर 3। नेक्स्ट 3 से 6 टाइम कितना है, सर 1, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1। एंड लास्ट वन 6 to 8 आपका टाइम कितना है, 7, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 7। सभी को प्लस कर दीजिए, 2 plus 3 5 5 plus 1 6 6 plus 7 13, तो यहाँ पे आपका टाइम आ चुका है 13, राइट। देखते हैं नेक्स्ट वे कौन सा बनेगा, नेक्स्ट रास्ता कौन सा बन सकता है, 1 से 2 2 से 4 4 से 6 एंड 6 to 8। आई होप तीसरा रास्ता कैसे बना आप समझ गए। अगेन आई रिपीट, 1 से 2 2 से 4 4 से 6 एंड 6 to 8, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 2 4 6 एंड लास्ट में 8। अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ पीरियड राइट करना है, तो पहला टाइम क्या, 1 से 2 का टाइम सर 2, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2। 1 से 2 के बाद आपने क्या लिया था, सर 2 से 4, 2 से 4 का टाइम कितना है 5, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 5। 1 से 2 2 से 4 4 to 6 टाइम कितना दिया हुआ 6, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 6। एंड लास्ट में 6 to 8 आपका टाइम कितना दिया, सर यहाँ पर है 7, तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 7, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका प्लस करना है, 2 और 5 7 7 plus 6 13 13 plus 7 20, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 20। देखते हैं नेक्स्ट वे और कौन सा बनेगा, सर 1 से 2 2 से 4 4 से 7 एंड 7 से 8, एकदम राइट, तो आप यहाँ पे पाथ नंबर 4 राइट कीजिए 1 2 4 एंड 7 8। अब हमें क्या करना है, सर टाइम को राइट करना है, चेकआउट करते हैं, 1 से 2 का टाइम क्या दिया है, सर 2, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2। 1 से 2 के बाद आप कहाँ पे गए थे, 1 से 2 2 से 4 टाइम कितना है 5, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 5। 1 से 2 2 से 4 4 से कहाँ गए थे, 7 पे, टाइम कितना दिया है सर 2, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2। एंड लास्ट वन 7 to 8 टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4। अब हमें क्या करना है, इनका प्लस, 2 और 5 7 7 2 9 एंड 9 4 13। आई होप और कोई रास्ता यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब कोई भी रास्ता नहीं बनेगा। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 2 से 3 3 से 5 5 से 8, राइट। 1 से 2 2 से 3 3 से 6 6 to 8, 1 से 2 2 से 4 4 to 6 6 to 8, 1 से 2 2 to 4 4 to 7 7 to 8, और इतना हो जाने के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है सबसे हाईएस्ट टाइम, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा है, सर P3। आपको याद रखना है सबसे हाईएस्ट टाइम कौन सा है, P3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईएस्ट, अदरवाइज लॉन्गेस्ट, बिकॉज अभी इसकी नीड होने वाली, तो आपका हाईएस्ट टाइम कौन सा है, सर P3 से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P3 इज द लॉन्गेस्ट पास, कि P3 सबसे बड़ा रास्ता है, राइट ना। इतना होने के बाद अब हमें हमारे सम पे आना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको इस टाइप से सम लिख लेना है। ये तो आपकी एक्टिविटीज थी, ये टाइम था। अब हमें सबसे पहले ढूंढना है EST, EST का फुल फॉर्म क्या था, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, राइट ना। अब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान से लेक्चर देखना है, कहीं पे आपसे भूल ना हो जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 से 2, अर्लियर मतलब पहले, राइट। चेकआउट करता हूं मैं यहाँ पे, 1 से 2 से पहले कोई एक्टिविटी हुई है क्या, देखो यहाँ पे 1 से 2 से पहले कोई भी एक्टिविटी हुई है, सर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए इनका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया 0। आई होप आप समझ गए 0 मैंने क्यों राइट किया, राइट। सेकेंड एक्टिविटी कौन सी है, सर 2 से 3, देखिए 2 से 3 से पहले कोई एक्टिविटी हुई है, यस सर एक एक्टिविटी हुई, कौन सी हुई है, सर 2, यानी कि 1 से 2 का टाइम हुआ है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 2।
राइट, आई होप समझ गए टू किस तरीके से आया हुआ है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं टू से फोर। टू से फोर से पहले कोई एक्टिविटी हुई? यस सर, एक एक्टिविटी हुई। कौन सी? वन से टू। टाइम कितना दिया है? टू। तो आप यहां पे राइट कीजिए टू। आई होप मैं किस तरीके से आंसर लिख रहा हूं आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं, क्या लिखा है? थ्री से फाइव। थ्री से फाइव, ये रहा, थ्री से फाइव से पहले कोई एक्टिविटी हुई? यस सर, टू से थ्री भी हुआ है और वन से टू भी हुआ है। तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा? फाइव। तो आप यहां पे आंसर राइट करेंगे फाइव, राइट ना। नेक्स्ट चलते हैं थ्री टू सिक्स। यस एरा, थ्री टू सिक्स। थ्री टू सिक्स से पहले कोई एक्टिविटी हुई है? यस सर, थ्री टू सिक्स से पहले एक एक्टिविटी हुई। कौन सी? थ्री प्लस टू कितना होता है? सर फाइव। और कुछ हुआ है थ्री टू सिक्स से पहले? नहीं सर, एक ही एक्टिविटी। कौन सी? थ्री प्लस टू फाइव। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे फाइव थ्री टू सिक्स के सामने। आई होप मैं किस तरीके से आंसर राइट कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। चेकआउट करते नेक्स्ट एंट्री। कौन सी सर? फोर टू सिक्स। एरा फोर टू सिक्स। फोर टू सिक्स से पहले कोई एक्टिविटी हुई है? यस सर, हुई है। कौन सी एक्टिविटी हुई आपको दिखाई दे रहा होगा? फाइव प्लस टू सेवन। फाइव प्लस टू सेवन। और कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है? यस सर, यहाँ पे दो एक्टिविटी दिखाई दे रही है फोर टू सिक्स के अंदर। सिक्स, फोर टू सिक्स से पहले फाइव प्लस टू सेवन भी है और प्लस वन प्लस थ्री फोर भी है। अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। एक रास्ते में आंसर आ रहा है फाइव प्लस टू सेवन और एक में आ रहा है वन प्लस थ्री फोर। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन? सर सेवन। जब भी इस प्रकार का कंक्लूजन हो, दो वैल्यू दी गई हो, तो आपको हमेशा कौन सा टाइम सिलेक्ट करना है? सर हाईएस्ट टाइम को हमें सिलेक्ट करना है। तो फोर टू सिक्स के सामने राइट कीजिए सेवन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर टू सेवन। फोर टू सेवन, ये रहा यहाँ पर फोर टू सेवन। तो फोर टू सेवन से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? सर फाइव प्लस टू सेवन। और तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए फोर टू सेवन के सामने सेवन। आई होप मैं किस तरीके से एंट्री कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री हमें चेकआउट करनी है फाइव टू एट। देखते हैं फाइव टू एट कहाँ पे, ये रहा। फाइव टू एट से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? सर फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन। बिकॉज पहले की एक्टिविटी आप ई एस टी सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, फाइव टू एट से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए नाइन। आई होप नाइन किस तरीके से आया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चेकआउट करते सर सिक्स टू एट। चेकआउट करते सिक्स टू एट से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? ये रहा यहाँ पर सिक्स टू एट। आई होप यस अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सिक्स टू एट से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? सर एक तो ये हुई सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन प्लस टू यानी कि थर्टीन हुआ। फिर एक और हुई है सर वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस टू सिक्स, यानी दो एक्टिविटी हो रही है। अगेन आई रिपीट, कौन सी एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं हम? सर सिक्स टू एट को सॉल्व कर रहे हैं। तो सिक्स टू एट को जब मैंने यहाँ पे देखा तो दो एक्टिविटी दिख रही है। सिक्स टू एट से पहले सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन भी हो रहा है, एंड सिक्स टू एट से पहले वन प्लस थ्री फोर एंड फोर प्लस टू सिक्स। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन? सर थर्टीन। तो आपका यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड कितना आ जाएगा? थर्टीन। आई होप थर्टीन मैंने किस तरीके से लिखा आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड लास्ट वन सेवन टू एट। देखते हैं सेवन टू एट से पहले कोई एक्टिविटी हुई है? सर सेवन टू एट से पहले एक्टिविटी हुई है। कौन सी हुई है? टू प्लस फाइव सेवन, सेवन प्लस टू नाइन। और कोई एक्टिविटी दिख रही है आपको सेवन टू एट से पहले? आई होप अब दिखेगा आपको। सेवन टू एट से पहले कोई एक्टिविटी हुई है? यस सर, टू प्लस फाइव सेवन, सेवन प्लस टू नाइन। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए नाइन। आई होप ई एस टी को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आ ही गया होगा। ध्यान रखना ई एस टी मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, पहले की एक्टिविटी चेकआउट करनी। फिर से एक बार रिपीट, एक से दो से पहले कोई एक्टिविटी हुई नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आया था? जीरो। आपको पहले की एक्टिविटी चेक करनी है, उसे हम कहेंगे ई एस टी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, राइट। सेकेंड कॉलम मैंने यहां पर रेडी किया है ई एफ टी, और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि ई एफ टी सॉल्व करना काफी आसान है, सिर्फ आपको ई एस टी में टाइम को ऐड कर देना है। ई एस टी तो आपने सॉल्व किया भी यार, सिर्फ आपको टाइम को ऐड करते रहना है, राइट ना। टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, फोर प्लस फाइव नाइन, वन प्लस फाइव सिक्स, सॉरी सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, टू प्लस सेवन नाइन, 8 प्लस नाइन सेवनटीन, सेवन प्लस थर्टीन सर ट्वेंटी, एंड फोर प्लस नाइन थर्टीन। आई होप ई एफ टी मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आप समझ गए होंगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से आने वाली,
एलएसटी और एलएफटी, पर एलएसटी और एलएफटी में आपको सबसे पहले सॉल्व करना है एलएफटी को, ध्यान रखना एलएसटी बाद में सॉल्व करना है, पहले एलएफटी सॉल्व करना है। जिस तरीके से आपने ईएसटी सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या सॉल्व करना है एलएफटी। तो पहले एलएफटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, यानी कि बाद की प्रवृत्ति, यानी कि मेरे को यहाँ पे रिवर्स देखना होगा, राइट। और एलएफटी सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है सबसे हाईएस्ट टाइम को ध्यान कर लेना है। आपका सबसे हाईएस्ट टाइम कितना था, यहाँ पर मैंने राउंड किया था सर, लॉन्गेस्ट पाथ जो था उसका टाइम कितना था 20। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप एलएफटी सॉल्व करेंगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसे आपको 20 में से लेस करना है। फिनिशिंग नाम इसलिए फिनिशिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी सर, 7 to 8, हाईएस्ट टाइम कितना दिया है 20, इसे आपको याद रखना है। तो फिर से चलते हैं अपने डायग्राम के पास, ये रहा आपका डायग्राम। देखिए 7 to 8 के बाद कोई एक्टिविटी हुई के बाद, क्या 7 to 8 के बाद क्या आपको कोई एक्टिविटी दिख रही है सर, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 0। हाईएस्ट टाइम कितना था 20, तो 20 में से आपको 0 लेस करना होगा, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा एलएफटी वाले कॉलम के अंदर 7 to 8 के सामने कितना आ गया 20। कैसे आया, बिकॉज ऑफ 7 to 8 के बाद सर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए उसका आंसर मैंने क्या काउंट किया, 0, और 20 में से 0 चला गया तो आंसर भी क्या आएगा 20 ही आएगा। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8, चेकआउट करते हैं 6 to 8 के बाद कोई एक्टिविटी हुई, ईरा 6 to 8, क्या 6 to 8 के बाद कोई भी एक्टिविटी आपको दिख रही है सर, 6 to 8 के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं है, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 0। हाईएस्ट टाइम कितना था 20, 20 माइनस 0, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 6 to 8 के सामने 20। आई होप 20 किस तरीके से आ रहा है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पर अपनी 5 to 8, चेकआउट करते हैं 5 to 8। देखिए यहाँ पर 5 to 8 के बाद भी कोई एक्टिविटी है सर, नहीं है, 5 to 8 के बाद भी कोई भी एक्टिविटी नहीं, दैट मीन्स 0, तो 20 में से 0 जाएगा तो आंसर क्या आएगा सर, इजी बात है, कितना आएगा 20, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 20, ध्यान रखना लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम के अंदर आपको बाद की एक्टिविटी देखनी है, राइट ना। नेक्स्ट चलती यहाँ पर दिया है 4 to 7, चेकआउट करते हैं 4 to 7, डायग्राम इज वेरी नेसेसरी इसलिए आपको बनाना बहुत कंपलसरी है। 4 to 7 के बाद कोई एक्टिविटी हुई है, यस सर एक एक्टिविटी दिखाई दे रही, कौन सी 4, तो हाईएस्ट टाइम कितना था 20, तो 20 में से कितना लेस कर दूं 4, तो 20 में से 4 लेस करूंगा तो यहाँ पर 4 to 7 के सामने आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 16, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 16। आई होप 16 किस तरीके से आया आप समझ गए होंगे, राइट। चेकआउट करते नेक्स्ट 4 to 6, 4 to 6 के बाद कोई एक्टिविटी हुई है, यस सर ये रहा 4 to 6, तो देखो ध्यान से देखिए 4 to 6 के बाद एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है, एक एक्टिविटी कौन सी हुई 7, तो 4 to 6 के बाद एक्टिविटी कितनी 7, हाईएस्ट टाइम कितना 20, 20 में से कितना लेस कर दो सर 7 लेस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4 to 6 की वैल्यू, तो आप यहाँ पर राइट कीजिए 20 माइनस 7 और आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 13। नेक्स्ट चेकआउट करते 3 to 6, डायग्राम इज वेरी नेसेसरी बिकॉज यहीं पे सबको डिपेंड है। 3 to 6 के बाद कुछ दिख रहा है, यस सर 3 to 6 के बाद एक एक्टिविटी दिख रही, कौन सी है 7, तो 20 माइनस 7 अगेन कितना आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। आई होप मैं एलएफटी किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट डे चेकआउट करते फिर से 3 to 5, देखते हैं 3 to 5 में एलएफटी कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा यहाँ पर 3 to 5, 3 to 5 के बाद कोई एक्टिविटी दिख रही है, यस सर यहाँ पे 3 to 5 के बाद एक एक्टिविटी हुई है जिसका नाम क्या है सर 8 लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट टाइम कितना था 20, 20 में से 8 चला गया, तो 3 to 5 के सामने आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस 8 12। आई होप यहाँ पे 12 कैसे आया आप समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट एंट्री चेकआउट करते यहाँ पे लिखा है 2 to 4, कहाँ पे ये रहा सर 2 to 4, तो 2 to 4 के बाद कौन सी एक्टिविटी हुई है सर, 2 to 4 के बाद हुआ यहाँ पे 2 plus 4 6, एक एक्टिविटी तो हमको ये दिखाई दे रही है और 2 to 4 का एक एक्टिविटी और भी है 6 plus 7 13, तो ध्यान रखिएगा 2 to 4 के बाद यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, दो रास्ते बन रहे थे, 2 to 4 के बाद 2 plus 4 6 भी है और 2 to 4 के बाद 6 plus 7 13 भी है, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन है सर 13, तो 20 में से लेस कर दीजिए 13, 20 माइनस 13 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7। आई होप 7 कैसे आ रहा है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एंट्री चेकआउट करते 2 से 3,
तो ये रहा हमारे पास 2 से 3। तो 2 से 3 के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी दिखाई दे रही, 4 प्लस 8 12। एक एंट्री तो आपको ये दिखाई दे रही 2 से 3 के बाद 4 प्लस 8 12, और 2 से 3 के बाद एक एंट्री और दिखाई दे रही है 1 प्लस 7 8। अब यहां पर दो रास्ते बन चुके हैं, 2 से 3 के बाद 4 प्लस 8 12 भी आ रहा है एंड 2 से 3 के बाद 1 प्लस 7 8 भी आ रहा है। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा, 12 हाईएस्ट है, तो 20 में से 12 गया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8। आई होप 8 कैसे आया आप समझ गए होंगे, राइट। एंड लास्ट में सॉल्व करते हो 1 से 2। तो 1 से 2 के बाद देखो एक रास्ता तो ये 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, ध्यान रखिएगा 1 से 2 के बाद 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, एक रास्ता ये भी निकल रहा है। एंड 1 से 2 के बाद एक रास्ता एक और है ये 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, एक रास्ता ये भी, पहले कितना था 15 और ये कितना 18। 1 से 2 के बाद 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, और 1 से 2 के बाद एक रास्ता एक और है 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, तीन रास्ते दिख रहे हैं 15 18 11। तो तीनों में से हाईएस्ट कौन सर, तीनों में से हाईएस्ट है 18। तो 20 में से 18 चला गया तो आपके पास आंसर यहां पे आ जाएगा 2। तो आई होप LFT मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें सॉल्व करना है LST। अब आपका सम बहुत आसान होने वाला है, राइट, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है LFT माइनस टाइम। LFT में से टाइम को लेस कर दीजिए या फिर इनका डिफरेंस राइट कीजिए। अगर आंसर माइनस में है तो भी आपको आंसर पॉजिटिव लिखना है। 2 माइनस 2 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा सर, 0। LFT में से आपको टाइम को माइनस करना है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे 8 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा सर, 5। 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 4 8, 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 6 7, 16 माइनस 2 14, 20 माइनस 8 12, 20 माइनस 7 13, एंड लास्ट 20 माइनस 4 16। और ये सॉल्व हो चुका है हमारा LST। अब धीरे धीरे हमारा सम कंप्लीट होगा। लास्ट में आपको सॉल्व करना है फ्लोट टाइम, जिसे गुजराती में कहते हैं फाजल समय, राइट। ये बहुत आसान है। फ्लोट टाइम के लिए आपको क्या करना है, फ्लोट टाइम में से फ्लोट टाइम ही लेस करना है, फिनिशिंग टाइम में से फिनिशिंग टाइम को आपको लेस कर देना है। 2 माइनस 2 सर 0, 5 माइनस 8 3, भले माइनस में आ रहा बट आंसर प्लस में लिखना है, 7 माइनस 7 0, ध्यान रखना FT में से FT, 9 माइनस 12 3, भले माइनस आ रहा बट आंसर किस में लिखोगे, प्लस में, 6 माइनस 13 7, 13 माइनस 13 0, 16 माइनस 9 7 एंड 20 माइनस 17 सर 3, 20 माइनस 20 0 एंड लास्ट 20 माइनस 13 7। आई होप यहाँ पे सम अपना कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। EST अपने को पहले की एक्टिविटी देखनी है, LFT अपने को बाद की एक्टिविटी देखनी है। आई होप आप कंप्लीट सम आपने देख लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।